Yo guys, I am back. तो भाई सो क्यूट ठाउ नज़र आ रहा है, जैसा कि सो क्यूट ठाउ में अभी अभी ये कहते हैं नाश्ता वाश्ता करना है मैंने, ठीक है। टाइम हो रहा है सुबह के 6:51, ठीक है। तो अभी नाश्ता करेंगे हम, हल्का फुल्का सी करेंगे क्योंकि अभी 6:50 हो रहे हैं। तो अभी मैंने सो जाना है क्योंकि अच्छे सफ़र के लिए अच्छी नींद बहुत ज़रूरी है। तो हम निकला तो शाम के 3-4 बजे, तो टाइम बहुत है। तो अभी ये हल्का फुल्का नाश्ता करके सो जाते हैं, फिर उठ के आपसे मिलते हैं, ठीक है। नाश्ते में है एक क्रोसेंट और साथ चाय, तो लेट्स एंजॉय। तो भाई दोबारा उठ गए हैं, अब इतनी थकावट हो गई थी कि नींद बहुत आ रही थी। तो अभी टाइम हो रहा है 2:21। इतना सोया तो अभी सिर्फ 1 घंटा हम निकल रहा है, बहुत लंबा सफ़र है। तो सबसे पहले तैयार शायर होते हैं, कंडीशन ही कर लेते हैं, पता नहीं क्या चीज़ ही लग रहा हूँ मैं। तो तैयार होकर आपसे मिलते हैं। तैयार शहर में हो गया हूँ, अब मैं दवाई खाने लगा हूँ, तबीयत मेरी थोड़ी सी ख़राब है। तो दवाई खाते हुए मैं बाहर आपको बिल्डिंग दिखाता हूँ। भाई रियाद का इंफ्रास्ट्रक्चर आप देखना, ओए होए होए। Inside my own world of make-believe. Kids screaming in the crib. Riyadh aaya aur traffic jam mein dekho, aisa possible kaise hai? Karachi jaisa hi hai. I see door through ice covered in ink and bleach. Cross out the ones who heard my cries and watched me weep. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright. It's hard to breathe, but that's alright. भाई अभी मैंने ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दिखा पाया क्योंकि हम बारो बार आ गए रात के, लेकिन अभी हम खाना खा रहे हैं दोपहर का अलबेक। ये यहाँ का बहुत फेमस, अगर आप लोग मक्का मदीना जाओ ना तो ये ज़रूर खाना, इसका मज़ा ही कुछ हो। अभी हम करते हैं ऑर्डर, फिर आपसे मिलते हैं। तो भाई ये अलबेक का जो खाना है ना, बहुत टेस्टी है। अगर आप उमरा करने आ रहे हैं तो मक्का मदीना से ज़रूर इसको खाएं। अभी खैर हम मक्का मदीना नहीं पहुँचे, लेकिन इसके ग्राउंड यहाँ पर भी खुली है तो हम खा रहे हैं, टेस्टी। मैंने तरीफ़ें तो इतनी कर दी, तो मैंने बताया नहीं अलबेक में होता क्या खाना है। तो सबसे पहले बर्गर भी होता है, आप बर्गर खा सकते हो, बहुत टेस्टी होता है बर्गर, ठीक है। वर्रा ब्रोस्ट भी होता है और भी बहुत सारी चीज़ होती है, लेकिन मैं बर्गर खा रहा हूँ। ये आ गई रियाद की चेक पॉइंट, या आप इसे टूल प्लाजा भी कह सकते हैं, बस यहाँ पर टूल लेते नहीं। तो इससे हमें पता चल गया कि ये सिटी अब ख़त्म हो गया है, तो अब हम अगले सिटी की तरफ जा रहे हैं। अगला सिटी भी है नहीं, डेजर्ट है। तो ये storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't want. So yo guys, I'm back. काफ़ी लंबा सफ़र है, तकरीबन 700-800 किलोमीटर का सफ़र है, जिनमें से हमारा तकरीबन 300 किलोमीटर के करीब हो गया है। तो अभी एक पंप है, मस्जिद भी है यहाँ पे, तो यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक है। अभी नमाज तो नहीं पढ़नी, अभी 100 किलोमीटर बाद एक और पेट्रोल पंप है, वहाँ पे हमने रुकना है सही वाला। तो अभी यहाँ पे ऐसे इंजॉय कर रहा हूँ मैं थोड़ा सा मौसम, और हवा बहुत अच्छी चल रही है, बहुत मज़ा आ रहा है, दिल गार्डन गार्डन हो गया। यार मैंने कहा आपका भाई यहाँ आया हुआ तो आपको ट्रिक क्यों ना दिखा दीजिए, है ना। ये लो लाइक बनता है इसके लिए। अब हम आ गए यहाँ, थोड़ा सा स्टे हो गया, नमाज पढ़नी है, उसके बाद थोड़ी चाय शो। जो सर्दी बहुत है बाहर, 15 डिग्री सेल्सियस है और सऊदी के लिहाज से बहुत ज़्यादा है, तो अभी चाय पीते हैं बस। चॉकलेट आ गई है, अब मैं ये पीता हूँ और अभी आपसे जल्दी मुलाकात होती है। मेरा ख्याल होटल में पहुँच के आपको मिलूँगा। भाई बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही है बाहर, और अभी हमारे तकरीबन 800 किलोमीटर में से 700 हो गए हैं, सिर्फ 100 किलोमीटर बचे हैं, और टेम्परेचर बाहर 10 डिग्री हो रहा है। आपसे मिलने होने बाद बहुत तेज़ बारिश हो रही है। ताइफ की भी चेक पॉइंट आ गई, इसका ताइफ के अंदर एंटर हो गए हैं, और ताइफ से मक्का सिर्फ 1 घंटा ही दूर है। तो स्टे ट्यून्ड, अभी बहुत मज़ा आने लगा है। Close till I get up. Time is barely on our side. I don't. यहाँ पे भी हमें किसी ने पाक्सल भूलने तो नहीं दिया।
The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever do. For the video, रात के 2 बज रहे हैं, नींद बहुत आ रही है और कल सुबह 9-10 बजे हमें उम्रे के लिए भी निकलना है, तो अभी सो जाते हैं, आपसे मिलते हैं कल की व्लॉग में। कल का व्लॉग बहुत एक्साइटिंग है क्योंकि कल उम्रा करेंगे, मैं आपको सारा कुछ दिखाऊंगा, तो इंशाल्लाह वी विल एंजॉय अ लॉट। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। तो भाई होटल में आ गए, आप जल्दी से पता होटल का रूम टूर देते हैं। तो भाई एंटर होते ही यहाँ पे एक ड्राइंग रूम आता है, फिर उसके बाद थोड़ा सा आगे जाओ तो ये एक वॉशरूम है, उसके बाद ये एक छोटा सा ड्राइंग रूम टाइप है, फिर ये कमरा है और एक ये रूम है। तो मेरे ख्याल से होटल अच्छा है काफ़ी। तो अभी मैं सुबह रिकॉर्ड कर रहा हूँ, रात को मैं पहुँचा था तो इसलिए, क्योंकि मैं बहुत थका हुआ था। सो दैट्स द रूम टूर।